Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all in Super Question Series at Wi-Fi Study CSIR Net Channel. So, my dear student, as you know, हम रोज कुछ ना कुछ questions discuss करते हैं जो कि हमारे previous years में आए हुए हैं CSIR Net के questions. यहाँ कुछ CSIR Net के questions होते हैं इस series में और कुछ other competitive examination के questions होते हैं. So, इसी तरीके से मैं आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो CSIR नेट में भी आए हुए हैं और अदर प्लेसेस में हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ CSIR से ही बिल्कुल एग्जैक्ट रहूँ कि हाँ CSIR में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस कराई जाए, तो ये प्रैक्टिस चली हुई है और ये हमारी सिर्फ प्लस पे चलेगी. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन की डिटेल यहाँ पर दी हुई है. खान अकेडमी आपको ऐप डाउनलोड करना है. जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यू विल रीच द मंथ वाइज रेट लिस्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन. 1 month का भी है यहाँ पर कोर्स, 3 month का भी, 6 month का भी, 12 month का भी, 24 months का भी. सो मिनिमम कोशिश कीजिए आप जो है 6 month और 12 month का तो लेना ही, ठीक है. लेकिन बहुत जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग आपका 3 month का भी ले सकते हैं इसके लिए सब्सक्रिप्शन. अगर आप यूज करते हैं अमित स्टैन रेफरल कोड, देन डेफिनेटली यू विल गेट द 10% off to the each subscription. So that is the thing. What is the next? Next is a question. देखिए ये question हमारा आया हुआ है पहले. So मैं पहले बोल चुका हूँ यहाँ मेरा purpose जो है आपकी thought को develop करना है कि कैसे आप question को सोचो ना कि एकदम ही randomly उस पर लग जाओ. So देखिएगा यहाँ पर what is the consider the matrices. सबसे पहले मुझे consider करना है क्या दी हुई है. एक matrix दी हुई है और उस matrix में हमें क्या दिया हुआ है. मैट्रिक्स में दिया हुआ है a is equal to cos theta sin theta n minus sin theta and then हमें दिया हुआ है साथ साथ cos theta. आप देखिए ये this is a what, this is a देखने से ही पता लग जाएगा this is a orthogonal matrix. जो मुझे मैट्रिक्स दी हुई है a is equal to क्या दिया हुआ है cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. भाई हमें ये मैट्रिक्स दी गई है और देखने से ही मुझे क्लियर हो जाता है कि ये मेरी मैट्रिक्स जो है इसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आईएनटी आ रहा है. अब इसमें जो हमें ऑप्शन दिए हैं उस पर देखिएगा, यहाँ कहा गया है कि ए की पावर 2015. अब एक बार 2015 कहे या चाहे इसको वो 2020 कहे या आगे का कोई और नंबर दे दे, नो मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, ठीक है. कहा कि इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए आई दिस और दिस. अगर ये हमारी डिफरेंट होती आप नोटिस कीजिएगा इनकी सबकी आएगी वैल्यूज प्लस माइनस वन आ रही है तो हम यहाँ से भी डिस्कार्ड कर सकते थे. लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन यू हैव टू बी जस्ट थिंकिंग कि ए की पावर करनी होगी और देखना होगा क्या वैल्यूज आती हैं. सो व्हेन एवर आई एम गोइंग टू ऑब्टेन ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपको दो या तीन करने से ही आइडिया लग जाता है कि मेरे पास जो वैल्यूज आने वाली हैं वो कैसी आने वाली हैं. माइनस साइन थीटा एंड दिस इज अ कॉस थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा दैट विल गिव मी व्हाट दिस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. Now the next sin cos theta sin theta and cos theta yani ki 2 sin cos 2 cos sin theta then sin 2 theta that is a sin 2 theta. This values this is a sin theta cos theta and then cos theta minus sin theta minus time of sin 2 theta and again this is the cos 2 theta. यानि कि whenever I am going to power 2, 2 times power किया I am getting the 2 here. आप 3 देखेंगे तो 3 से 3 मिलेगा. Okay, so that means what exactly going on here? A to the power n is equal to that is in a cos n theta sin n theta and sin n theta minus time. minus time and cos n theta. Okay,
थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, थीटा इज इक्वल टू 2π/31 ओके, और एन की एन इज दिस, सो 2015 दैट विल बी इक्वल टू क्या वैल्यू आने वाली है, cos 2015 इंटू 2π/31 सिमिलरली साइन 2015 और 2π/31 सिमिलरली माइनस साइन 2015 2π/31 और cos 2015 2π/31 इनको कैंसिल कर लीजिए, जब आप 31 इसको डिवाइड करने चल रहे हैं यू आर गेटिंग 65 यू आर गेटिंग 65 ठीक है। सो इतना हमें मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर ये ऑप्शंस में इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या कहा जाए इनकी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 ना दी होती तो मैं ऐसे सोच सकता था, लेकिन यहाँ मुझे मजबूरी हो गई। सो व्हाट हैपेंड, दिस इज अ वैल्यू, यहाँ एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है, इसने क्या कहा आपको इसको ऐसे लिखना है, हम कैसे लिखते हैं cos 2n pi दैट मींस cos 65 into 2 pi एंड sin 65 into 2 pi ठीक है ना, सिमिलरली माइनस साइन 65 into 2 pi एंड cos 65 into 2 pi, सो दैट इज अ थिंग हियर, जो कि हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज को आप देखिए cos 2n pi की वैल्यू क्या होती है, दिस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 1, sin 2 pi की वैल्यू क्या होने वाली है, दिस इज इक्वल टू 0, हर एक n pi की 0 होती है, सिमिलरली यहां पर भी 0 यहां पर भी 1, सो दैट मींस व्हाट वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। अब इस तरीके से a की पावर 2015 ना होकर के 2020 हो तब भी हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपली हमें ऐसे नहीं करना है ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक ए की वैल्यू दी हुई है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 2 5 एंड -3, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए बात कर रहा है। आप आइगन वैल्यूज निकालने पर कि जब भी पूछा जाए ऐसा नहीं कि सीधा शुरू हो जाए, आप देखिएगा सबसे पहले हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ये आइगन वैल्यूज दी हुई है ना तो उनका जो आपको सब निकालना है दैट इज अ ट्रेस, तो मैट्रिक्स का ट्रेस देख लीजिए आप पहले क्या आने वाला है, व्हाट इज दिस, दिस वन ठीक है, सो दिस इज व्हाट 1 -2 एंड -3 दैट इज इक्वल टू -4, सो यहां आप देखिएगा फर्स्ट वाले को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है -4, दिस गिव अ -4 ओके, बट सेकंड को करने तो कितना मिल रहा है, यानी कि ये तो फॉल्स है, यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता है करेक्ट आंसर ठीक है, ट्रेस आना चाहिए भाई इनको जोड़ने के बाद, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। लास्ट वाले में देखिए आप, लास्ट वाले में क्या हो रहा है 4 -2 दैट मींस ये भी नहीं हो सकता है हमारे पास ऑप्शन, यानी कि या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन आपके पास सी है। अब इसके बाद जब भी कभी ये सिचुएशन आ जाए उसके बाद देखिए रो सम ऑफ द मैट्रिक्स और कॉलम सम ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ रहा है, अगर वो सेम आ रहा है कोई नंबर सो डेफिनेटली दैट विल बी द आइगन वैल्यूज, आप नोटिस कीजिए प्लस है यहाँ पर, बी केयरफुल अबाउट इट, सो व्हाट इज द रो सम, जस्ट आई विल टेक इट इज अ या आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है इसके अंदर हमारे पास, इसकी बात करते हैं अगर, व्हाट इज दिस 1 or 1 or 2 4, दिस इज अ 5 and 6 and -2 again 4, सिमिलरली 5 and 2 7 and -3 दैट इज अगेन 4, अगर आप ऐसे ऐड करते हैं देन अगेन यू विल सी दिस इज द 4 this is the 4 this is the 4, यानी कि मेरे पास जो रो सम आ रहा है वो भी 4 आ रहा है, कॉलम सम जो आ रहा है वो भी 4 आ रहा है, यानी पक्का एक आइगन वैल्यू 4 है इसकी, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ए भी मेरा ऑप्शन नहीं रहा ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सो हमें इसमें करना नहीं था, जस्ट हमें अपना लॉजिक लगाना था कि किस तरीके से लॉजिक से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शंस को, दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वन ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी ए 4x4 स्क्वायर मैट्रिसेस, सपोज दैट द नल स्पेस NA of A is this, then dimension पूछिए भाई null space की, तो सबसे पहले vectors ये हैं उनको लिख लीजिए, what is the vector, first vector x + y + z is equal to 0, this implies z की value क्या आ गई है -time of x + y,
एंड सेकेंड वेक्टर से हमें जो कि दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या मिल गई हमें, w इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ x प्लस वाई। सो दैट मीन्स जो आपके पास वेक्टर बना है ये क्या बन गया, ये बन गया x कॉमा वाई कॉमा माइनस x प्लस वाई एंड कॉमा माइनस x प्लस वाई। भाई ये वेक्टर हमारे पास आ गया जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, फोर में। कितने इंडिपेंडेंट फ्री वेरिएबल्स हैं इसके पास, देख सकते हैं आप दो। सो दैट मीन्स नल स्पेस में जो वेक्टर है उसमें तो डायमेंशन कितने हो गई उसकी, द डायमेंशन इज टू, ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। अब हम बात करें रैंक की, तो टोटल कितना है इसके पास, फोर माइनस टू दैट इज इक्वल टू टू होना चाहिए, रैंक ये बोल रहा है, यानी कि ये भी गलत स्टेटमेंट है। ओके ये भी गलत है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, एस वन इज इक्वल टू वन वन जीरो एंड वन वन जीरो एंड वन इज ए बेसिस फॉर एन नल स्पेस और नॉट। सो कई तरीके होते हैं इसको चेक करने के, एक तरीका यह है कि आप देखिए लास्ट में हमने क्या हुआ है, जब डेल इज इक्वल टू डब्ल्यू हुआ है। सो क्या हमारे पास जो वैक्टर्स आ रहे हैं जेड और डब्ल्यू की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो हम कहीं लॉजिकली ही इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अदरवाइज तो हमें इसको देखना पड़ता है कि कैसे स्पान कर रहा है, क्लियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। ओके सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो बी केयरफुल अबाउट जब आप रीडिंग कर रहे हो, ऑफ ऑड ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है, ऑड 99 कैसा नंबर होता है, ऑड, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज कैसी होगी। इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है आपको, व्हाट इज द स्टेटमेंट, लेट ए बी स्किप सिमेट्री मैट्रिक्स, ऑफ ऑड ऑर्डर, अब वो 99 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, नो मैटर, बट ऑड नंबर अगर है आपके पास, बी केयरफुल, देन क्या होने वाला है, देन डिटरमिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, डिटरमिनेट क्या आ गया उसका, जीरो आ गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको हमें निकालना ही नहीं है, जस्ट हमें एक स्टेटमेंट का यूटिलाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स वन, डिफाइंड बाई टी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू कॉमा एक्स वन, भाई रिफ्लेक्शन मैपिंग दी हुई है लेकिन नो मैटर, देन अब देखिए छोटा सा हमारे पास आर टू दिया हुआ है और एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, R2 के हम अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो E1 is equal to 1,0 and E2 is equal to आपका 0,1। इन स्टैंडर्ड बेसिस पे मैट्रिक्स बना सकते हैं और इसकी पूरी गणना कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द मैट्रिसेस, T of 1,0 is equal to 0 बन गया हमारे पास एंड T of 0,1 is equal to 1,0। ओके सो दो हमारे पास जो मैट्रिक्स हुई, सो कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स जो आपके पास आ रही है दैट इज टी इज इक्वल टू, इनको कॉलम वाइज रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1,0, ठीक है। आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ डायगोनल पर 1 पड़ा हुआ है, इसका डिटरमिनेंट कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, कैसी मैट्रिक्स है, ये तो एक इन्वर्टेबल है, लेकिन हमें पूछा कि T is not a invertible, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास false statement है, T is not 1,1, भाई जब ये matrix invertible है तो 1,1 भी है ये, तो इसका मतलब that is a false statement, T minus KI is invertible, तो देख लेते हैं T minus KI क्या आने वाला है, T minus KI is equal to, what is this, this is equal to minus K1, 1 and minus K, और अगर आपने choice ले ली 4 k is equal to 1, for k is equal to 1 आपके पास क्या हो जाएगा, this will become minus 1, 1, 1 and minus 1, इसका तो determinant 0 आ रहा है, so this gives क्या हो गया आपके पास, ये तो not invertible रहा, not invertible, so that means ये option भी false है, कौन सा option बचा, last वाला, none of the above, so that means just हमें यहाँ पर छोटा सा एक प्रयास करना था, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी सबसे पहले एकदम इसको प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है एकदम से। सो जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है R3 से R4 पे किस तरीके से, सच दैट T ऑफ
हमें दिया हुआ है टी ऑफ 1,0,0 इज इक्वल टू 1, 2, 0 एंड 4 एंड द सेकेंड वन इज टी ऑफ 0,1,0 इज इक्वल टू 2,0,-1,-3 एंड देन टी ऑफ 0,0,1 इज इक्वल टू 0, 0 एंड 0 एंड 0। भाई ये जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस पे वैल्यूज निकाली हुई हैं इसमें, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों ना सबसे पहले डिस्कार्ड टेक्निक का यूज किया जाए, हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें। सो दैट मींस अगर मैं सबसे लास्ट वाले को रखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू 1 रखना है और रेस्ट प्लेस पे 0, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सब के अंदर 0, 0 आ रहा है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट मींस एग्जैक्टली हमें क्या मिल रहा है, हर जगह से वी आर गेटिंग 0, 0 एंड 0 फ्रॉम ईच प्लेस। यानी कि ये तो हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम लगा लेते हैं नेक्स्ट वाले को, व्हाट इज दिस फर्स्ट वन, इसका यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है एंड z इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाट हैपन, अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो दिस इज 1, 0, 0, आई एम गोइंग टू पुट, दिस इज गिविंग मी 1, ओके, दिस गिव मी 1 एंड दिस इज -1। अब आप नोटिस कीजिए -1, बल्कि मुझे क्या चाहिए था 1 और 2, सो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया, मुझे ये वैल्यूज मिलनी भी तो चाहिए ना पुट करके, सो ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट सेकंड वन में देखिए इसी चीज को पुट करके, यानी कि 1, 1, 0 को हमने पुट किया तो वी आर गेटिंग 1, ये भी गया, ये भी खत्म। इसमें पुट कर रहे हैं तो हम 1, 0 एंड 0, व्हाट वी आर गेटिंग 1 वी आर गेटिंग एंड फ्रॉम दिस प्लेस वी आर गेटिंग -1, ओके, यस, फ्रॉम दिस प्लेस, नहीं, देयर इज सम मिस्टेक, इसको इधर लिख लीजिए आप पहले, सबसे पहले देयर मोर इट विल बी मोर clear to us exactly what is going on with this one. So take this one, t of x y z is equal to x plus 2y, 2x comma minus y and 4x minus 3y. What happened when I am going to put 1, 0, 0, this will give me a 1, this will give me a 2, this will give a 0 and this will give a 4. यही चाहिए था, so इसको कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, नथिंग यू कैन से अबाउट दिस वन, ओके, अभी ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी, बट फर्स्ट वाले से हमें क्लियर हो गया, जैसे इसमें हमने पुट किया था फर्स्ट वाले में, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू पुट दिस इनसाइड दिस वैल्यू, दिस गिव अस अ 1 एंड -1, जो कि गलत था, सो दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया। इसकी बात करते हैं, अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मीन्स टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y-xy and 4x+3y है, तो what happened by the same vector 1, 0, 0, we are getting 1 but -1, so this will create the problem, जो कि हमारे पास क्या आना चाहिए 2, so इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। Go to the last one, last one से हमें क्या मिल रहा है 1 and 1, we are getting 1 and 1, last one से क्या मिल रहा है txyz is equal to, तो ये तो बहुत ही trivial question दिया हुआ है इसने हमें, आप नोटिस कीजिए इसमें हमें पहले ही वेक्टर से 1 और यहाँ पर भी 1, जबकि हमें क्या चाहिए था 2 चाहिए था, सो दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी वाला ऑप्शन। सो क्लियरली हमें क्या पता लग गया इस चीज से कि भाई देखो, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले उन वैल्यूज को वहां पुट करके भी देख सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं जिससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन ना बनाना पड़े, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इजी भी दिया था क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस पे था, डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन वो जैसी टेक्निक्स हैं हम वहां डिस्कस करेंगे अपने स्पेशल क्लासेस में। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट वन, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, हमें पूछा गया है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस और कैसा वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सिग्मा ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स भी सी का मेंबर है और वाई भी सी का मेंबर है, बिलोंग्स इन द सी।
दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये पेयर कैसा हो गया मेरे पास, दैट मीन सिग्मा स्क्वायर इज थिंक दैट इज इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन कॉमा ए टू प्लस आई बी टू सच दैट, क्योंकि हमारे पास क्या है सबके सब सब ए वन बी टू बी थ्री सब आधार क्या हो गए हमारे पास, सब रियल नंबर से आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, फोर, सो डायमेंशन हो गए आपके पास फोर, ठीक है ना। सो बहुत ही आसान था, दैट इज नथिंग, दैट इज सी स्क्वायर आर वेक्टर स्पेस बनाया गया है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करें तो सबसे पहले उसकी इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि क्लोजनेस को चेक करना चाहिए और उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन चेक करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम वहीं पर फेल हो जाता है। जैसे कि मैं पहले वेक्टर को लेता हूँ, हमने क्या कहा, हमारे पास ऐसा वेक्टर्स का ये सब स्पेस है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन है एंड एफ ऑफ बी भी हमारे पास, मैंने कहा कि f g ले लेते हैं, g of a is also equal to 1, vector space c over closed interval a b, ठीक है। so continuous function है, what happened with this one, जब मैं इसको f a plus g a, ठीक है, so what is this value, this is equal to 1 plus 1, closeness fail हो गया, so that means that cannot be the vector space। What about the second one? हमें दिया हुआ है कि a to b, fx and dx is a positive value. Obviously आप जानते हैं कि किसी negative number से इसको multiply कर दिया, so that means the things will be wrong. So that means अगर मैंने लिया a to b, कोई scalar ले लिया मैंने k of fx dx greater than zero. अब क्या है, k तो scalar है, इसको बाहर ले लिया, a to b fx dx, आप नोटिस कीजिए ये वैल्यू कैसी है मेरी, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। बट अगर मेरे पास बट k इज अ नेगेटिव, देन तब क्या होगा, दैट मींस होल थिंग विल बिकम अ नेगेटिव। सो दिस का मतलब ये भी मेरा नहीं रहा, ये भी वेक्टर सब स्पेस नहीं बन रहा, वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है, ठीक है। सो ये भी सब स्पेस नहीं है। सिमिलरली बाय द सेम वन, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया, ये भी नहीं रहा सेम मैनर से, सिर्फ लास्ट यानी कि डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पर, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें एक मैट्रिक्स दी है, लेट वी बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओवर आर, देन वी इज ए रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन पूछी गई है। देखिए यहाँ मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स हो या हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, पहले क्या दी हुई है हमें, ए इज इक्वल टू आपको क्या आता है, ए ट्रांसपोज, अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, लेकिन इसने यहाँ क्या बात की है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हमें देखना, ये डायरेक्टली फार्मूला है, सिमेट्री मैट्रिक्स में कितनी डायमेंशन होती है, आपके पास स्क्यू भी कितनी होती है, ठीक है। और हमारे पास ये इवन दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बहुत सारी मैट्रिसेस में हम डायरेक्टली फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा सा मैं यहाँ दोनों के लिए आपको लॉजिक दे देता हूँ जिससे कि आपको पता भी लग जाए। तो सबसे पहले चलते हैं हम सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स आपके पास कितना n क्रॉस n का है, ठीक है। सो टोटल एंट्री कितने हो गए इसमें, टोटल हो गए आपके पास n स्क्वायर यानी एलिमेंट, जो ये डायगोनल्स पे एलिमेंट होते हैं, ये कितने होते हैं एलिमेंट्स, दीज आर द n एलिमेंट्स। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हुए, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने, n स्क्वायर, और अगर माइनस डायगोनल एलिमेंट्स कर दें तो कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन, लेकिन जो अपर और बिलो हैं, ये जो एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट हैं, ये डिपेंड करते हैं, अगर ये आया है तो इसको भी आना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स अगर ए वन टू आ रहा है तो ए टू वन को भी आना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ऐसा कहता है। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट कितने हो गए, डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, इसका मतलब ये कैसी डिपेंडेंट, यहां कितने हुए, n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ओके। सो दैट इज n स्क्वायर माइनस n बाय 2।
बट हमारे पास तो इंडिपेंडेंट डायगोनल के तो फ्री है ना, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करते, सो दैट मींस दिस इज अ प्लस एन। सो कितना मिला आपको, एन एन प्लस वन बाई टू, बट किसके लिए, सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स की, तो उसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, सब ए आई आई क्या होते हैं, जीरो। सो दैट मींस ये जो है आपके पास, इनके पास तो चॉइस ही नहीं है, तो फ्री हो गई, तो फिनिश हो गई। दैट मींस क्या मिला आपको, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द ए इज द करेक्ट आंसर, एन माइनस वन बाई टू फॉर द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। लेकिन अगर मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होती तो आपको एन प्लस वन बाई टू देखना था। तो यहां जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो इन चीजों को जरूर देखें कि हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल है, हमारे पास चॉइस किस वेरिएबल है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी थिंक। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्वेश्चन सीरीज, सुपर क्वेश्चन सीरीज। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वाईफाई स्टडी सीएसआईआर चैनल को। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।